और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है के न्यूज पर मथुरा से। मथुरा के नौ झील इलाके में एक अनियंत्रित कार डिवाइडर से पहले टकराती है, उसके बाद में पलट जाती है। हादसे में पांच लोगों की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा के थाना नौझील का इलाका है, यहां पर एक अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में पांच लोगों की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, पूरी खबर। जी निश्चित रूप से आपको बता दूं, मथुरा के थाना नौझील इलाके के यमुना सड़क पर एक अनियंत्रित बेकाबू कार जो दिल्ली की ओर से आ रही थी, अचानक माइलस्टोन 59 पर अचानक अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मरने वाले और घायलों को नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया, जहां पर के पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जी क्या मालूम चल पाया राजेंद्र, कौन लोग हैं ये, किधर से आ रहे थे, किधर जा रहे थे, कुछ मालूम चल पाया इनके बारे में? जी निश्चित रूप से, जैसा कि हमने ऐसा स्वे पर नौझील इलाके में प्रत्यक्षदर्शियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि सभी लोग आईटेंग कार में सवार होकर ये दिल्ली की ओर से आगरा आ रहे थे, अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद मौके पर कोहराम मच गया और तत्काल यमुना एक्सप्रेस वे की गाड़ी उनको लेकर कैलाश हॉस्पिटल नोएडा के लिए रवाना हो गई, जहां पर पांच लोगों की मौत हो गई। चलिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।